Clash of Clans. हाँ भैया, तो कहते हैं आजकल मैं वो आपका फेवरेट यूट्यूबर। मुझे मुझे पता है भाई, आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सुमित तेरे पास सिर्फ एक ही टी शर्ट है क्या यार। हमेशा मैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर यही टी शर्ट इसीलिए पहन के आता हूँ क्योंकि जो दूसरे टी शर्ट से अगर वो पहनूंगा तो वो ब्लर ब्लर इफेक्ट आ जाता है। अगर ब्लू या फिर येलो कलर का पहनता हूँ तो वैसे कलर के इफेक्ट्स आ जाते हैं, इसीलिए मैं ये एक ही टी शर्ट पहनता हूँ। और ऐसा नहीं है कि यही टी शर्ट मैं रोज पहनता हूँ भाई, बस वीडियो बनाते टाइम पहन के बैठता हूँ, बाकी मैं धोता भीता हूँ भाई। अब एक बात समझो, इंसान की गरीबी अलग चीज़ होती है और इंसान की मजबूरी अलग चीज़ होती है, और मेरी ये मजबूरी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर भी नहीं जा सकता, ना ही यहाँ पे दुकान वकान खुला है, तो क्या कर सकते हैं भाई, अभी चलाना पड़ेगा यार काम। छोड़ो यार ये कपड़ों बिपड़ों की बातें, कपड़े तो हम लोग खरीद लेंगे बाद में। लेकिन कल आप सभी लोगों ने, मुझे पता है मैक्सिमम आप में से लोगों ने कल दिल बेचारा मूवी देखी होगी, हॉटस्टार पे सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। भाई साहब क्या प्यारी मूवी थी यार, मजा आ गया। वैसे मैं लव स्टोरी मूवीज वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन जो कल की मूवी थी बहुत ऑसम मूवी थी। मतलब सच बताना कितने लोग रो पड़े लास्ट में, एंडिंग में, सच बताना। ज्यादातर मैं लव स्टोरी मूवीज देखता नहीं हूँ, लेकिन ये जो कल की मूवी थी दिल बेचारा, प्लस दो तीन मूवीज और है मेरी लिस्ट में, तो वो मूवीज देखने के बाद मेरा पूरा सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया ही बदल गया भाई साहब। मतलब टिपिकल बॉलीवुड की लव स्टोरी वो तो एकदम मतलब कचरे के डिब्बे जैसी है, वो छोड़ो, लेकिन कुछ ऐसी भी मूवीज होती है जैसे कि कल की एक दिल बेचारा हो गई, हॉटस्टार पे आई थी वो एक है, एंड अमेजोन प्राइम पे दिया करके एक मूवी है, और लव मॉकटेल करके। भाई साहब इतनी लेजेंडरी मूवीज ये, आप लोग मूवी स्टार्टिंग में तो आप लोग जमीन पे बैठ के देखते हो, लेकिन जब मूवी स्टार्ट होती है, जैसे जैसे रन टाइम बढ़ता है मूवी का, वैसे वैसे आप लोग आसमान में जाते हो, एंड एंडिंग में ऐसा सीन आता है आप एकदम आसमान के टॉप लेवल पे होते हो एंड वहां से छोड़ दिया जाता है आपको, फिर नीचे आके गिरना पड़ता है। इतनी खतरनाक एंडिंग है भाई इन मूवीज की, मतलब क्या बोलो यार, पूरा नजरिया चेंज हो गया कुछ मूवीज देख के। एंड हाँ, मूवीज की एक अपनी अलग ही लैंग्वेज होती है, मतलब कोरियन मूवी देख लो, बस मूवी का आप लोगों को स्टोरी पता होनी चाहिए, इमोशंस पता होने चाहिए, आप लोग मूवी को अगर कनेक्ट करोगे ना तो लैंग्वेज बैरियर आता ही नहीं है, तो आप लोग ये दोनों मूवीज भी देख सकते हो। छोड़ो यार मूवीज की बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग, ना ही हमारा कोई रिव्यू चैनल है, हमारा तो क्लैश ऑफ क्लैंस का चैनल है। तो आते हैं गाइज, अभी हम लोग हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस अकाउंट में टाउन हॉल 8 में बहुत नीचे आ चुके हम लोग। टाउन हॉल 13 खेलते थे, 12 खेलते थे, 11, लेकिन आज हम लोग आ चुके हमारे टाउन हॉल 8 पे। बेसिकली हुआ क्या है, हमारे क्लैन में हमें चैलेंज मिला है कि सुमित तुम्हें विदाउट सीसी टाउन हॉल 8 को 3-स्टार फोड़ना पड़ेगा, एंड बहुत सारे लोग मुझे आज चैलेंज भी देने वाले हैं हमारे क्लैन में। तो विदाउट सीसी टाउन हॉल 8 वर्सेस 8, सीसी यूज नहीं करनी, ना ही सीसी का कोई स्पेल यूज करना है, एंड 3-स्टार करना है क्लैन मेट्स को। हम लोगों ने एक्चुअली एक न्यू क्लैन बनाया, तो न्यू टाउन हॉल 8 के मेंबर्स आ चुके हैं क्लैन में, तो उनके साथ थोड़ी फ्रेंडली चैलेंजेस वगैरह खेल लेते हैं। तो उन्होंने बेसिकली मुझे चैलेंज दिया कि सुमित तुम्हें टाउन हॉल 8 से विदाउट सीसी 3-स्टार अटैक करना पड़ेगा हम सभी लोग बेस के ऊपर। तो अभी आज हम लोग वही करने वाले, शाम का वक्त हो चुका है, तो जाओ कॉफी ले लो, बैठो एक जगह पे, चाय लेना है तो चाय पी लो, दूध ही पी लो या हॉर्लिक्स पी लो, कुछ भी पी लो, बिस्किट्स वगैरह रख लो, एंड तैयार हो जाइए अगले 15 मिनट के लिए। हम लोग बेहतरीन अटैक्स करने वाले हैं टाउन हॉल 8 के विदाउट सीसी के साथ, बहुत लेजेंडरी आर्मी है गो हॉग, उसी स्ट्रेटजी के साथ आज हम लोग अटैक करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से दबा दो भाई, 9,06,000 और 94,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग चाहिए, 94,000, तो जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी से हमारे 1,000,000 हो जाएंगे भाई, जल्दी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, और बाजू वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो गाइस अभी बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। ओके गाइस, पहला बेस हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है हाइड्रा हंटर का, तो ये वाला बेस लेआउट है भाई साहब इनका। तो एक काम करते हैं, हमारी आर्मी वगैरह ट्रेन है, चलो चलते हैं अटैक के लिए। तो भैया अभी हम लोग इस बेस के ऊपर करने वाले हैं अटैक। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से करें, एक प्लान तो है, एक काम करते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, ये बिल्डर के ऊपर एक विजर्ड, यहाँ पे एक विजर्ड। ओके चलो, यहाँ पे एक विजर्ड, यहाँ पे आएगा हमारा गोलू, यहाँ पे एक विजर्ड, यहाँ पे आएगा हमारा पेक्का किंग, एक वॉल ब्रेकर सुपर टेस्टिंग के लिए, सॉरी एक वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए, सारे के सारे वॉल्स, जैसे एक रेज। ओके, वॉल फूट गई भाई साहब, मजा आ गया, पेक्का आ चुका है सीसी के अंदर से, तो पॉइजन डालना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइजन आएगा एनिमी पेक्का के ऊपर। चलो भाई, बहुत मस्त वैल्यू निकाल ली है हमारे ट्रुप्स ने यहाँ पे, लगभग 37-40 के आसपास लगभग वैल्यू निकाल ली है,
तो यहाँ पे हम लोग 3 हॉक राइडर्स डालेंगे, यहाँ पे 2 हॉक राइडर्स, यहाँ पे 3-4 हॉक राइडर्स, यहाँ पे एक विजर्ड, यहाँ पे एक विजर्ड। उड़ गए हॉक्स, यहाँ पे कुछ हॉक्स और, यहाँ पे फर्स्ट हिल्स पे लाएगी हमारी। ओके वेट करेंगे, यहाँ पे 2 हॉक राइडर्स, यहाँ पे 3 हॉक राइडर्स, यहाँ पे 2-3 हॉक राइडर्स, यहाँ पे 3 हॉक राइडर्स। आखिरी हिल आई हमारी, वेट करेंगे यहाँ पे। ओके तो भाई साफ ट्रूप्स बहुत ही कम बचे हैं, पता नहीं ट्रिपल होगा नहीं होगा। स्केलेटन्स भी पीछे पड़ चुके हैं हमारे हॉक्स के। भाई विदाउट सीजी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं यार, पता नहीं। अरे हॉक्स है अभी भी हमारे पास बहुत सारे, लेकिन टाइम अभी भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम बचा है। ओके तो 3 हॉक्स बचे अभी भी यहाँ पे, एंड भाई साहब निकल गया पूरा बेस निकल चुका है यहाँ पे। अभी भी 1 मिनट का पूरा टाइम बचा है और सिर्फ 10% की वैल्यू निकालनी है इस बेस के ऊपर। तो ये तो गाइज यहाँ पे हो चुका है 3-स्टार अटैक विदाउट सीसी। जस्ट इमेजिन जब आप लोग सीसी यूज करोगे इस आर्मी में तो कितनी पावरफुल आर्मी बन जाएगी। तो 94, 97 दो बिल्डिंग्स बचे हैं, 97 मतलब दो बिल्डिंग्स का 3% काउंट हो रहा है क्योंकि टाउनलेट पे थोड़ी सी कम बिल्डिंग्स होती है अकॉर्डिंग। ओके ये आ चुका है गाइज हमारा 3-स्टार अटैक इस बेस के ऊपर। आते हैं बैक में। ओके देखते यहाँ पे क्या चल रहा है विदाउट सीसी। हाँ भाई विदाउट सीसी कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हाइड्रा हंटर ने एक और बार चैलेंज दिया है, लेकिन इस बार अलग सा बेस है, पता नहीं इस बेस के ऊपर हम लोग कर पाएंगे या फिर नहीं। वेट अ सेकेंड, प्लान देखना पड़ेगा। ओके चलो एक प्लान है मेरे पास, देखते वर्क करेगा नहीं करेगा। तो एक काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हम लोगों को गोलम डालना पड़ेगा यहाँ पे, पीछे से 2-3 विजर्ड्स। ओके उसके बाद यहाँ पे पिक का विजर्ड, यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए, एक और वॉल ब्रेकर। ओके यहाँ पे आएगा हमारा किंग, यहाँ पे आएगी हमारी रेज स्पेल, यहाँ पे एक और वॉल ब्रेकर पॉइजन, एक और वॉल ब्रेकर। ओके फूट जा, फूट गई भाई, मजा आ गया। चलो बस ये बॉम्ब टावर हम लोगों को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई। ओके चलो बहुत सही, 23-25 टाउन हॉल भी यहाँ से मिल जाएगा, पिक्का भी है, एक विजर्ड भी है। तो 2-3 हॉक्स डाल देते हैं यहाँ पे, 3-2 हॉक्स। ओके थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर से यहाँ पे डाल देते हैं 2 हॉक राइडर्स, यहाँ पे 3 हॉक्स, यहाँ पे 3 हॉक्स, यहाँ पे 3 हॉक्स। पहली हील आएगी हमारी यहाँ पे, बहुत सही। ओके 7 हॉक्स और बचे हैं। ओके यहाँ पे एक हॉक राइडर, दूसरी हील यहाँ पे एक हॉक्स, 2 हॉक्स और, 3 हॉक्स बचे, हम लोग डबल कैनन पे डाल देते हैं। यहाँ पे आएंगे 3 हॉक राइडर्स। ओके भाई मजा आ गया यार, ये वाला अटैक भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है 3-स्टार, मजा आ गया। जस्ट इमेजिन अगर हम लोग यहाँ पे सीसी लेके जाते तो कितनी पावरफुल आर्मी बन जाती। उफ, 2 बेस तो हम लोगों ने फोड़ दिया हाइड्रा हंटर के, 2 चैलेंजेस दिए थे इसने, दोनों के दोनों बेस फोड़ दिए। अभी देखते हैं और कौन चैलेंज देता है हमें। विदाउट सीसी थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है वो उनके लिए जिनके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं हुआ, जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी में मास्टरी करके रखी है उनके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। हार्ड भी हो सकता है, बेस लेआउट के हिसाब से हो जाएगा वो सब कुछ। तो अभी फिलहाल तो हम लोगों ने निकाल लिया है हाइड्रा के ऊपर 3-स्टार अटैक, लगातार 2 अटैक्स किए हम लोगों ने इसके बेस के ऊपर, दोनों के दोनों 3-स्टार अटैक्स मिले हम लोगों को। ओके देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ओ लूसीफर बोल रहा है ही इज अ प्रो। ओके ओ नो प्रॉब्लम, एक एफसी दे देते हैं इनको। हाइड्रा हंटर ने एक और चैलेंज दिया है, क्या बात है। ये थोड़ा मुश्किल वैसे भाई, यहाँ पे मुझे नहीं लगता हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है ये। ओके एक प्लान तो है मेरे पास, लेट्स गो चलते हैं। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके स्टार्टिंग में हम लोग डालेंगे यहाँ पे हमारा गोलू, यहाँ पे एक विजर्ड, एक विजर्ड, एक विजर्ड, यहाँ पे एक विजर्ड, यहाँ पे आएगा हमारा पिक्का किंग,
ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे दो डाल देते हैं हम लोग हमारे हॉग राइडर्स। चलो बहुत सही, एक रेज पॉइजन वॉल ब्रेकर आएगा एक यहाँ पे। अरे कहाँ चला गया भाई, शादी में जा रहे हो कि यार, क्या कर रहे हो भाई। तीन वॉल, ओ ये वाले वॉल ब्रेकर सही गए, मजा आ गया। ओके चलो बार्बेरियन किंग इस कंपार्टमेंट में आ चुका है, तो पूरा कंपार्टमेंट हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, परसेंटेज निकालने दो किंग को। चलो पिक्का भी जा चुका है कोर में, विजर्ड हमारा अच्छे से काम कर रहा है, किंग की एबिलिटी। एक काम करते हैं हॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग डालेंगे तीन चार हॉग राइडर्स, यहाँ पे तीन चार हॉग राइडर्स। ओके यहाँ पे कुछ तीन हॉग राइडर्स और। चलो उड़ गए हॉक्स, लगाई था 11 हॉक्स और बचे हमारे पास। यहाँ पे तीन हॉक्स, यहाँ पे तीन हॉक्स, यहाँ पे आ गई हमारी फर्स्ट हिल स्पेल। ओके यहाँ पे दो हॉक्स और, एक हॉक यहाँ पे, एक हॉक बचा है आखिरी वाला, देखते क्या होता है। यहाँ पे आ गई हमारी आखिरी हिल स्पेल, आखिरी हॉक यहाँ पे, एक विजर्ड, दो आर्चर्स यहाँ पे। भाई साहब होगा क्या भाई, निकल गया, उफ हो गया भाई। ये वाला पेस भी हम लोगों ने कर लिया है 3 स्टार, यहाँ पे मजा आ गया यार। विदाउट सीसी इतनी पावरफुल अगर आर्मी हो सकती है तो जस्ट सोचो यार, सीसी के साथ कितना तबाही अटैक स्ट्रेटजी हो जाएगी है। जब आप लोग सीसी के अंदर बॉलर्स या फिर वैलकरीज लेके जाओगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा, या फिर हॉक्स भी ले सकते हो मैक्स लेवल के अगर नॉर्मल वॉर है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव खेल रही हो तो सिर्फ टाउनल 8 के ट्रुप्स ही चलते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग हॉक्स या फिर वैलकरीज ले सकते हो। तो 25 ट्रुप्स का हाउसिंग स्पेस का यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी विदाउट सीसी के साथ ही बेस्ट है। विदाउट सीसी से भी ट्रिपल निकल जाता है, विदाउट सीसी से भी ट्रिपल निकल जाता है। तो 99 और ये आ चुका है हमारा 3 स्टार, क्या बात है गाइस, मजा आ गया। अभी देखते और कौन चैलेंज कर रहा है हमारे क्लैन में। तो हाइड्रा के आई थिंक सारे बेसिस हम लोगों ने फोड़ दिया है, हाइड्रा हंटर के। ओके फोड़ दिया हम लोगों ने हमारे बेस के ऊपर 97। ओके हम लोगों ने किया हाइड्रा के ऊपर 3 अटैक्स, तीनों की तीनों हो चुके हमारे 3 स्टार। एक और एफसी मांगते हैं, देखते कौन देता है। हम भी दे देते हैं यहाँ पे एफसी, ये वाला बेस। ओके मिस्टर लूसीफायर ने हम लोग दिया एफसी, टाउन हॉल 10 है। ओके ओ ये मिस्टर लूसीफायर वही है ना, वो इल्यूमिनाती का गॉड, वो इल्यूमिनाती वाले लोग इनको गॉड मानते हैं। ओके ये थोड़ा मुश्किल बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, करते इसके ऊपर भी अटैक। एक प्लान तो है मेरे पास, हम लोग ट्रुप्स को अंदर लेके जाएंगे ही नहीं, बाहर से ही घुमाएंगे, मज़ा आएगा। यहाँ पे गोलू, यहाँ पे दो विजर्ड्स, तीसरा विजर्ड यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, पिक्का विजर्ड विजर्ड, यहाँ पे बार्बेरियन किंग। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग दो हॉग रेड्स डाल देते हैं, वेस्ट हो गए। चलो कोई ना, ओके बहुत सही जा रहा है हमारा अटैक, यहाँ से हम लोग किंग भी मिल जाएगा। सीसी के अंदर मैक्स हॉक्स रखे भाई साहब ने यहाँ पे, तो एक रेज पहले यहाँ पे, देखते रेज के अंदर क्या होता है। ओके एक वॉल ब्रेकर भाई, कहाँ कहाँ, एक वॉल ब्रेकर लेफ्ट में, तीन राइट में, क्या चल क्या रहा है भाई। चलो अच्छी खासी परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में। चलो किंग की एबिलिटी, एक काम करते हैं यहाँ पे तीन हॉग राइडर्स, यहाँ पे तीन हॉग राइडर्स, पीछे से दो आर्चर्स। ओके यहाँ पे फिर से दो हॉग राइडर्स, यहाँ पे फिर से दो हॉग राइडर्स, यहाँ पे तीन हॉक्स, यहाँ पे तीन हॉक्स एंड यहाँ पे तीन हॉग राइडर्स। तो सारे हॉक्स डिप्लॉय कर दिए, पीछे से एक विजर्ड एंड वेट करेंगे हील के लिए। दो हील अभी भी बचे हमारे पास, ओ यहाँ पे आई, मर जाते हमारे हॉक्स। दो हील स्पेल तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए, आकर हील बची है, मुझे नहीं लगता इस हील स्पेल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड भाई मुझे लग रहा है कि ये वाला अटैक हम लोगों ने एक स्पेल बचा के 3 स्टार किया है, भाई साहब मज़ा आ गया। ओपी भाई ओपी, बहुत सारे हॉक्स बचे, लगभग एक दर्जन हॉक्स तो बचे ही होंगे, 12 हॉक्स एंड एक हील स्पेल भी बचा है। तो भाई ये तो स्वैग के साथ 3 स्टार हो गया विदाउट सीसी, भाई बड़ी पावरफुल आर्मी है यार। अभी भी हमारे पास एक हील स्पेल बचा है, क्या बात है, बहुत सारे, क्या कर रहा है भाई गूगल। एक काम करते हैं हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे हमारा हील स्पेल, स्वैग हो चुका है हमारा स्वैग। तो भाई अगर आप लोग इसी आर्मी के साथ सीसी भी लेके जाते हो तो जस्ट सोचो कितनी पावरफुल आर्मी बन जाएगी, आराम से 3 स्टार अटैक आ जाएगा और आपका क्लैन का लीडर खुश हो जाएगा और आपको करेगा प्रमोट।
को-लीडर के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ एल्डर होंगे अपने क्लैन में, बहुत कम लोग होंगे जो को-लीडर या फिर लीडर होंगे अपने क्लैन के। तो ये हो चुका है गाइस 3-स्टार अटैक हमारा इस बेस के ऊपर विदाउट सीसी। बस सीसी लेके जाओ, बहुत पावरफुल आर्मी बन जाएगी आपकी। तो गाइज ये थे यार आज के हमारे कुछ टाउन हॉल 8 के विदाउट सीसी वॉर अटैक्स। आप लोग अगर सीसी यूज करोगे सेम आर्मी में तो भाई जस्ट सोचो कितनी पावरफुल आर्मी बन जाएगी। तो ये थी आज की हमारी गो हॉग अटैक स्ट्रेटजी टाउन हॉल 8 के लिए। आप लोग भी स्ट्रेटजी यूज करो एंड फोड़ो यार सीसी लेके, वॉर में यूज करना और आपके लीडर को खुश करो, तभी आप लोगों को वो एल्डरशिप या फिर को लीडरशिप देगा। तो बस आज के लिए फिलहाल तो इतना ही, टाउन हॉल 8 की वीडियो थी, बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना भाई, बाज वाला बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।